कलर्स टीवी के नए शो पिशाचनी की शुरुआत हो चुकी है। शो के पहले एपिसोड को देखने के बाद से इसे बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है और लोगों के बीच में इस बात को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी हैं कि क्या ये नया सुपरनेचुरल शो एकता के नागिन सिक्स जैसे बड़े शो को कड़ी टक्कर देते हुए पछाड़ पाएगा। देखा जाए तो 8 अगस्त से पिशाचनी शो शुरू हुआ है और अब तक महज 3 ही एपिसोड टेलीकास्ट किए गए हैं, लेकिन इन एपिसोड्स को देखने के बाद जनता ने ऐसी वजह गिनवाई है जिसके कारण ये शो नागिन 6 को बीट करते हुए नंबर 1 का खिताब पा सकता है और अनुपमा शो को भी पीछे धकेल सकता है। अब क्या है ये वजह, ये भी सुनिए जरा। पहली वजह, शो की कहानी। नागिन सीरीज की तरह ही पिशाचनी शो की कहानी भी रिवेंज पर बेस्ड है, लेकिन अलग तड़के के साथ। जहां नागिन पॉजिटिव रोल में नजर आई है, तो वहीं इस नए शो की कहानी में पिशाचनी है एक वैम्प जो कि रॉकी के परिवार से इसलिए बदला लेना चाहती है क्योंकि उसके परिवार के कारण उसे सालों पहले कैद कर दिया गया था और उसे उस जमीन से बेदखल कर दिया गया जहाँ उसका सालों से वास रहा था। अब रॉकी के घर में उसे अपने वश में करके कैसे ये पिशाचनी अपना बदला लेगी, ये इस शो में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि पिशाचनी शो काफी हद तक स्टार प्लस के फेमस शो नजर जैसा ही है, लेकिन भाई नागिन 6 की कहानी के आगे लोगों की पिशाचनी की कहानी काफी नई और दमदार लग रही है। लोग पिशाचनी की तरह इसलिए भी खींचे चले आए हैं क्योंकि नागिन की कहानी उन्हें अब पिछले सीजन से मिलती जुलती ही नजर आ रही है और उन्हें कुछ नयापन शो में नजर नहीं आ रहा जिससे वो ऊब चुके हैं। ऐसे में पिशाचनी की नई कहानी उन्हें अपनी तरफ भरपूर खींच रही है और इससे फायदा ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शो नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर सकता है। दूसरी वजह, स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। इस शो के नंबर 1 बनने की जो दूसरी वजह है वो है पिशाचनी शो की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस। जी हाँ, हर्ष राजपूत, जिया शंकर के अलावा बाकी एक एक स्टार ने अपने अपने किरदार में ऐसी जान डाली है कि लोग कहानी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वहीं जिस तरह से न्यायरा बनर्जी पिशाचनी के किरदार को निभा रही हैं, उनकी एक एक नजाकत, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि लोग इस पिशाचनी के वैसे ही मुरीद हो चुके हैं जैसे कि एक वक्त नागिन के हुआ करते थे। लोगों का कहना है कि ये चुड़ैल तो नागिन पर भारी है और अगर ऐसे ही स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस शो का डंका टीआरपी में नंबर 1 पर होगा। और तीसरी वजह, वीएफएक्स प्लस सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर शो। देखा जाए तो सुपरनेचुरल शोज की मेन ताकत ही होती है उसके दमदार वीएफएक्स। वहीं पिशाचनी शो के वीएफएक्स नागिन सीरीज से कई ज्यादा बेहतर नजर आए हैं। शो के एक एक सीन पर अब तक इतनी बारीकी से काम किया गया है जैसे कोई बिग बजट की फिल्म पर किया जाता है। पिशाचनी शो में जिस तरह से मेकर्स ने वीएफएक्स पर काम किया है उससे लोग बेहद इम्प्रेस हैं और उन्हें शो देखने में मजा आ रहा है। वो एक एक सीन से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ भी फेक जैसा बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। वीएफएक्स क्वालिटी लोगों को नागिन से कहीं ज्यादा बेहतरीन नजर आई है। इसके अलावा शो में नागिन 6 की तरह सस्पेंस है, थ्रिल है, लेकिन इसी के साथ जिस तरह से पिशाचनी की एंट्री बार बार शो में हॉरर फील लेकर आती है, पिशाचनी जिस तरह से बेहद स्कैरी है वो भी शो को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए काफी है और शो की यही क्वालिटी लोगों को नागिन से ज्यादा बेहतरीन लग रही है। वेल, हर शो टीआरपी में नंबर 1 का खिताब पाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। वहीं नागिन 6 और पिशाचनी दोनों ही एक जॉनर के शो हैं, लेकिन लोगों का प्यार फिलहाल पिशाचनी को खूब मिल रहा है। शो को शुरू हुए बस 3 दिन बीते हैं, ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या शो अपने पहले हफ्ते में इन सभी वजहों से नागिन 6 को पछाड़ पाएगा और अनुपमा को भी पीछे करते हुए नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिएगा अपनी राय, अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।